कोरोना का संकट गोरखपुर में भी लगातार बढ़ रहा है। इसके अत्यधिक संक्रमण से जूझ रहे मरीजों को अस्पतालों में इलाज का संकट झेलना पड़ रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड फुल हो चुके हैं। यही वजह है कि गंभीर रोगियों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा। कोविड अस्पतालों में सामान्य मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हैं, लेकिन जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है ऐसे मरीजों के सामने इलाज का संकट है। देखा जाए तो गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अलावा सरकारी क्षेत्र में दूसरा कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां कोविड के मरीजों का इलाज हो। ऐसे में जिला प्रशासन शासन के निर्देश पर कुल 37 निजी अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए अधिग्रहित किया है, लेकिन यहां भी वेंटिलेटर की समस्या बनी पड़ी हुई है। आने वाले मरीजों को इलाज तो मिल रहा है, बेड भी मिल रहा है, लेकिन अगर उन्हें वेंटिलेटर पर जाना है तो यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह की सेल बनी हुई है, उसी में भर्ती सेल भी है। अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं भर्ती होने की ज़रूरत है तो कमांड सेंटर को फ़ोन करें। कमांड सेंटर से ही पता लग जाता है कि हमारे किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, तो पेशेंट को भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे कहीं भी किसी भी अस्पताल में ना जाए, पहले कमांड कंट्रोल सेंटर को बात करें और वहाँ से जानकारी ले कि हमें किस सेंटर पर जाना है, और फिर कमांड कंट्रोल सेंटर ही एक एम्बुलेंस भेजेगी और उसको अप्रोप्रिएट जगह भर्ती कराएगी। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से रोज 4-5 मरीज गंभीर लौटाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर 150 बेड वेंटिलेटर के हैं, सभी के सभी फुल हैं। वहीं पैनिसिया में न तो सामान्य बेड खाली है और न ही वेंटिलेटर। 90 बेड के वार्ड में 22 पर वेंटिलेटर की सुविधा है, साथ ही बॉम्बे हॉस्पिटल में 10 बेड पर वेंटिलेटर है और सभी के सभी फुल हो चुके हैं। फातिमा अस्पताल में भी यही दशा है, तो गर्ग हॉस्पिटल भी सामान्य मरीजों का तो इलाज कर पा रहा है, लेकिन उसके सामने वेंटिलेटर का इलाज देना काफ़ी कठिनाई भरा हो गया है। देखिए, गोरखपुर में हम लोग व्यवस्था बहुत अच्छा कर रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही यहाँ 200 बेड केवल चल रही थी, उसको 500 बेड में एनहांस कर दिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। और कितने बढ़ा सकते हैं, अब तक 37 प्राइवेट हॉस्पिटल का सहयोग हम लोग लिए हैं, उनके माध्यम से भी बेड हम लोग को जुड़ती जा रही है। तकरीबन 1500 बेड का हम लोग व्यवस्था करा चुके हैं गोरखपुर में, उस पर करीब 350 हमारा ICU और इंटेंसिव केयर और HFNC युक्त बेड है, बाकी सारे ऑक्सीजन युक्त बेड है। इसलिए कितने भी मरीज आते हैं, हमें केवल गोरखपुर नहीं देखनी, पूरे मंडल, दो मंडल का संभालने की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है। बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल दोनों के हिसाब से हम लोग प्लान किए। कुछ मरीज हमें बिहार से भी आ रहे हैं, कुछ मरीज बाहर से भी आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो यदि हमारे पास कैपेसिटी है उनको भी हम लोग कैटर कर सकते हैं। उसी के हिसाब से बेड का कहीं कमी नहीं है, हर तरह का बेड हमारा पास है। अभी भी हमारे पास 150 बेड अवेलेबल है, कितने मरीज आते हैं उतने के ट्रीट कर सकते हैं। बाकी दवाई भी रेमडेसिविर से लेके सारे दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए तो किसी की घबराहट नहीं होना है और किसी का हल्के में भी लेना है। तो आपको बस ये ध्यान रखें, जिसका बीमार है बुखार आ ही जाता है, आपको घबराहट में मत हो जाए, आपको दवाई पहले दिन से शुरुआत हो जाता है। यदि ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आपका एडमिशन का ज़रूरत पड़ेगा, उसका भी व्यवस्था है। और इस पर हल्के में भी नहीं लेना है, यानी जो बिना दवा खाते हुए और जो बिना जो कोरोना प्रोटोकॉल ना पालन करते हुए करते हैं उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ। ये केवल आपको जान खतरे में नहीं डालेंगे आप, और बाकी लोग का भी जान खतरे में डाल रहे हैं। पिछले साल और इस साल में अंतर है, हमारे पास ना मास्क था, ना वैक्सीन थी, ना बेड था, ना वेंटिलेटर्स था, ना हम लोगों को इस बीमारी के बारे में वायरस की तोड़ पता था, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर्स ने इसका तोड़, और अब देश पूरी तरह से सक्षम है कि हम लोग अपने नागरिकों का, देश के नागरिकों का ख्याल रख सकें। मुकेश पांडे, ETV भारत, गोरखपुर।